अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, क्रिमिनल और हाई कोर्ट के एडवोकेट जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी ने क्राइम टुडे से बात करते हुए कहा कि जिस तरह से ये एक्रेडिटेशन कार्डों का मामला चल रहा है और इस मुल्क का चौथा सुतून मीडिया को एक बड़े और छोटे में बांटा जा रहा है, ये गलत बात है। कानून की नज़र में और संविधान में सब एक हैं, लेकिन जिस तरह से कुछ केबल चैनलों की जानिब से एक मुहिम चलाई जा रही है अपने मुखबरियों के ज़रिए, पुलिस के ज़रिए, वो ठीक बात नहीं। और कई ऐसे कानून की रोशनी में उन्होंने खुलासे किए। शेख शफी की ये रिपोर्ट देखिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ शेख रहमत अली, आप देख रहे हैं क्राइम टुडे न्यूज़। नाज़रीन, पिछले कुछ दिनों से ये अफवाहों का बाजार गर्म है कि कुछ लोग मीडिया के ताल्लुक से जो वेब चैनल चलाते हैं उनको परेशान किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, कई गाड़ियों को सीज किया जा रहा है। इसी बात को लेकर होम मिनिस्टर तक ये बात गई, उसके बाद पुलिस कमिश्नर को बयान देना पड़ा कि इस तरह से जो है मीडिया के कुछ लोग, मीडिया का नाम लेके कुछ लोग जाली कार्ड बना रहे हैं और बगैर डॉक्यूमेंट्स के गाड़ियों पर फिर रहे हैं। बहरहाल, ये मीडिया और एक्रेडिटेशन कार्ड का जो लड़ाई है, इसके ताल्लुक से हम आज वाजे तौर पर बात करने के लिए हमारे साथ ऑनलाइन पे मौजूद है जनाब मोहम्मद अफजलुद्दीन दकनी साहब, जो हाई कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट के मशहूर एडवोकेट है। तो हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये जो कुछ लोग हैं जो केबल चैनल हैं, जो वो नहीं चाहते कि वेब चैनल जो है आगे बढ़े और वेब चैनल कुछ न्यूज़ बताए, इसलिए वो इस तरह की खेल खेला जा रहा है। जबकि आज शहर हैदराबाद में ही नहीं, सारे मुल्क में डिजिटल मीडिया और वेब चैनल की जानिब से ही एक इनकलाब आने जा रहा है। तो इसी बात को लेकर हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम साहब। सलाम, शुक्रिया साहब। जी अफजल साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमसे जो है ऑनलाइन पे जुड़े हैं। साहब, ये जो कुछ दिनों से जो है शहर हैदराबाद में ये मसले चल रहे हैं कि एक्रेडिटेशन कार्ड को लेकर, तो आप ज़रा बताइए कि एक्रेडिटेशन कार्ड और मीडिया में क्या अंतर है और पुलिस को क्या अख्तियार है इस तरह के जो है चौथा सुतून जो माना जाता है उसको जो है इस तरह से जो है डैमेज करने। रहमत अली साहब, एक बहुत संजीदा सवाल आपने उठाया है कि आए दिन जिस तरह से मीडिया का रोल, बिलखसूस ये यूट्यूब बेस्ड मीडिया और वेब बेस्ड मीडिया ने जिस तरह से काम किया है, ये काबिल शुक्र है कि जिस तरह से रिपोर्टिंग हो रही है कि कोविड के सिचुएशन में कई अमवात हुए हैं और गैस सिलेंडर की कमी और कई मसाइल, हॉस्पिटल में बेताशा बिल, ये सब मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ बिलखसूस हमको यूट्यूब बेस्ड मीडिया और वेब बेस्ड मीडिया से आवाम के पास पहुंच रही है। और ये एक इनकलाबी ने तब्दीली है मीडिया के, उसमें प्रिंट मीडिया हो, प्रिंट मीडिया का अलग रोल है और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जिस तरह से बिलखसूस वेब बेस्ड मीडिया होता है जो यूट्यूब पे चलाते हैं, जो फेसबुक पे या फिर व्हाट्सअप के ज़रिए, और अब जो चैनल्स है हमारे जो मीडिया टीवी मीडिया चैनल्स, वो बहुत बेहतरीन तरीके से काम कर रहे हैं। और यही चैनल्स की रिपोर्टिंग की वजह से आज आपके हमारे चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव साहब को भी निकलकर गांधी हॉस्पिटल का मुआयना करना पड़ा, ये जबकि माजी में इस तरह से नहीं हुआ है। और ये एक देखें आप कई दो गुज़िश्ता दो एक साल या दो साल से कि कुछ गोदी मीडिया सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की चापलूसी में मसरूफ़ रही और सिर्फ झूठे स्टैटिस्टिक्स बताने में मसरूफ़ रही, लेकिन बरक्स उसके जो फील्ड पे काम करने वाला जो चैनल्स है, छोटे छोटे चैनल्स, टीवी यूट्यूब बेस्ड चैनल्स बिलखसूस, उन्होंने ऐसी तब्दीली लाई है मजबूरन हुकूमत को, जो सो रही थी इस मामले में बाहर निकलना आना पड़ा। तो लिहाजा आप अभी जो एक्रेडिटेशन की बात की है सॉरी, ये यहाँ पे एक्रेडिटेशन की बात, कोई भी कहीं पे भी एक्रेडिटेशन का डेफिनेशन अभी तक नहीं है, कोई कोडिफाइड एक्रेडिटेशन नहीं है। आप ये बात खूब तरीके से जानते हैं कि 1970 या 80 के दहाम में जब इंदिरा गांधी के पास प्रिंट मीडिया वाले
एक लॉबिंग की थी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इतनी तरीके से उनके टीआरपी या बिजनेस को हर्ट कर रहा है। तो उसके बाद कुछ टीवी बेस्ड मीडिया जो इलेक्ट्रॉनिक है वो लोग ने आगे बढ़े और उनकी मकबूलियत बढ़ी। उसके बाद एक नया मुतबद्दल आया है। अगर इस वक्त कुछ वाक़या हो रहा है, अगर आपके चैनल को मालूम होता है, तो 2 या 3 मिनट में मेरे मोबाइल पे, क्योंकि पूरा स्मार्टफोन बेस्ड यूज़र्स हो गया है, तो वो रिपोर्ट मिल रही है। अब वो टाइम नहीं रहा कि रात में खबरनामा सुनते हैं और सुबह अखबार पढ़ते हैं। बहुत ही एक्टिविज्म है और ये इसका फ़ायदा आवाम को हुआ है। लिहाजा हुकूमत इस तरह से संजीदा होना चाहिए कि ये वेब बेस्ड मीडिया, बिलखसूस यूट्यूब बेस्ड मीडिया और फेसबुक बेस्ड मीडिया, इन लोगों को हेल्प करे और इनको हरासा ना करे। अब जिस तरह से अभी बताए हैं आपने कि एक्रीडेशन रूल्स, आपको ये इस तरह ये बात गुज़श्ता 2 साल पहले भी आई थी कुछ चारमीनार के पीएस के मसले में। एक्रीडेशन सिर्फ और सिर्फ ये एक रूल है जो INPR बनाया है, बिलखसूस उनके दफ्तर एक्सेस टू गवर्नमेंट एजेंसीज, उनके लिए कुछ मीडिया एजेंसीज को इतला देने के लिए उनको एक मेंबरशिप बनाई जाती है जिसको एक्रीडेशन कार्ड बोलते हैं, और उसके ऊपर हुकूमत ने कुछ क्वालिफिकेशन रखी है, तो वो हुकूमत के एक्सेस के लिए है। उनका एक रूल है, वो रेगुलेशन है, कोई एक्ट नहीं है, रेगुलेशन है कि जिस किस तरह से एक्रीडेशन बनाए। आपको बताना चाहता हूं, मैं चैलेंज करता हूं कि कई एक्रीडेशन कार्ड्स इस तरह से बने हैं जो बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि कुछ इस तरह से आपने एक पूछा है कि एक्रीडेशन ये जो INPR का जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, एक्रीडेशन जिसके ज़रिए एक्रीडेशन कार्ड इशू होता है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, क्यों ये सोशल बेस्ड मीडिया को एक्रीडेशन कार्ड नहीं दिया जाता? ये सवाल इससे पहले भी उठाया गया था। जब इलेक्शन होता है, जब पॉलिटिशियन की वाह वजूरी होना चाहिए, जब इनको यूट्यूब बेस्ड मीडिया याद आता, जब उनको ये वेब बेस्ड मीडिया याद आता, जब उनको एक्रीडेशन क्यों नहीं पूछते? आप आज चीफ मिनिस्टर बन गए, चीफ मिनिस्टर बनने से पहले हर मीडिया को किसी पूछते थे क्या एक्रीडेशन है आपके पास? तो लिहाजा ये बात क्लियर करिए कि एक्रीडेशन एक सिर्फ और सिर्फ एक रूल, INPR का एक्रीडेशन का एक रूल है जिसमें उनके डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में एक्सेस करने के लिए कुछ क्वालिफिकेशन रखी गई है, उनको कार्ड दिया जाता है, वो उनके लिए है। और सिर्फ इतलात हुकूमत के पास नहीं है, इतला तो आवाम के पास मिलती है। इतला तो हुकूमत की बेकायदगी, हुकूमत की फेलियर को बताने वाले लोग रोड पे होते हैं, उनसे जो इंफॉर्मेशन मिलती है वो कम्युनिकेशन जो कर रहा है यूट्यूब बेस्ड मीडिया। लिहाजा मैं आपको आपके चैनल के ज़रिए आपके तमाम यूट्यूब बेस्ड और वेब बेस्ड मीडिया को का शुक्र अदा करता हूं कि आवाम में इतनी जागृति आई है, आवाम में इतना अवेयरनेस आया है कि आज वजीर आज चीफ मिनिस्टर जैसा आदमी जो फार्म हाउस पे बेशतर वक्त गुजारते थे, आज हॉस्पिटल्स में आकर मुआयना कर रहे हैं। इसका भी हम हुकूमत का वेलकम करते हैं। लिहाजा एक्रीडेशन मैंडेटरी नहीं है, एक्रीडेशन कार्ड एक क्वालिफिकेशन नहीं है अदर देन गवर्नमेंट इश्यूज को रेस करने के लिए, एक अवामी मसाइल को रेस करने के लिए कोई हमको क्वालिफिकेशन नहीं है। लिहाजा मैं आपसे दरख्वास्त ये है कि आपके तमाम चैनल, यूट्यूब बेस्ड चैनल और वेब बेस्ड चैनल ये मुहिम चलाए कि आप हुकूमत जिस तरह से एक्रीडेशन रूल्स में डेफिनेशन में यूट्यूब बेस्ड और वेब बेस्ड मीडिया को भी ऐड करे ताकि कुछ परसेंटेज कार्ड्स उनको भी मिल सके। क्या ये लोग फील्ड पे काम नहीं कर रहे हैं? और एक थोड़ी सी गलती यहाँ हो रही है रहमत अली साहब, अगर आप नाराज़ ना हो, जो यूट्यूब बेस्ड और वेब बेस्ड मीडिया के जो लड़के हैं उनको थोड़ा सा एक ट्रेनिंग बेस्ड भी इशू होना, एक इम्प्रूवमेंट के लिए, भले बहुत अच्छा कर रहे हैं वो। और बताइए आप, गोदी बेस्ड मीडिया गया है हॉस्पिटल को? कौन से हॉस्पिटल की रिपोर्टिंग्स आई है बताइए मेरे को आप? ये छोटे बेस्ड वेब चैनल बेस्ड मीडियाज़ ने रिपोर्ट की है। आपको बताना चाहता हूं, जियो जुलाई में जियो इशू हुआ था, आपको आप मेरे यहां मौजूद है जियो, ये जियो में
हॉस्पिटल्स के कोविड ट्रीटमेंट के पेशेंट के लिए रेट्स हैं। इससे पहले आपने मैंने आपके चैनल में ये बात आई थी कि जनरल वार्ड के लिए कोविड पेशेंट के लिए क्या चार्ज किया जाए, या फिर आईसीयू विथआउट वेंटिलेटर के लिए क्या चार्ज किया गया जो 7,500 रुपये है, और चार्जेस फॉर आईसीयू विथ वेंटिलेटर के लिए 9,000 रुपये है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 25,000 1,00,000 रुपये बेतहाशा आवाम का आवाम से पैसे लूटा जा रहा है कोविड के ट्रीटमेंट के नाम पर प्राइवेट हॉस्पिटल्स में। मैंने खुद एक कॉल किया है, कई कॉल किया है प्राइवेट हॉस्पिटल को, 25,000 से कम डेली बेस नहीं है। क्या ये जियो का वॉयलेशन नहीं है? क्या ये जियो क्या प्राइवेट हॉस्पिटल्स 188 उनके ऊपर सेक्शन 188 और डिजास्टर मैनेजमेंट का केस बुक क्यों ना जाए, क्यों ना किया जाए? ये चीज़ कौन बताते हैं? गोदी बेस्ड मीडिया को नहीं बताएगी? प्रिंट मीडिया तो कल सुबह प्रिंट होता है, आपका खबरनामा तो रात में छपता है, लेकिन इसमें जो फील्ड पर जाकर हॉस्पिटल को जाकर पेशेंट्स के मसाइल को उठाने वाला यूट्यूब बेस्ड मीडिया है आज की तारीख में। और ये यूट्यूब बेस्ड मीडिया, ये जो आज मिनिस्ट्री में लोग हैं, आज एक्रीडेशन का सवाल कर रहे हैं, यही लोग जब मुंतखब होने से पहले इलेक्शन जब कैंपेन करते हैं ना, उनको सबसे पसंदीदा मीडिया चैनल यूट्यूब बेस्ड मीडिया चैनल रहता है। जब हुकूमत में आ जाते हैं तो एक्रीडेशन के रूल्स को क्लैरिटी नहीं करते हैं। आपको बताना चाहता हूं कि लॉकडाउन का जियो 102 इसमें बाजब्ता आपको परमिटेड एक्टिविटीज में बाजब्ता लिखा हुआ है। पॉइंट नंबर जियो के दूसरे पेज में आपको पॉइंट नंबर 14 जिसमें परमिशन है प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का डेफिनेशन कौन करेंगे? हम आप नहीं कर सकते। अब तक क्वालिफाई क्यों नहीं हुआ? क्योंकि देखिए ये एक ग्लोबल चेन है मीडिया की उसमें फील्ड में, ये इतना आगे बढ़ चुका है कि एक यूट्यूब भी एक मीडिया चैनल है, फेसबुक भी एक मीडिया इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेटिव सोर्स ऑफ टू द इंफॉर्मेशन है। आवाम के लिए जो इतलात फ़ायदेमंद है, प्रॉम्प्ट है, वो हमारी नज़र में मीडिया बता दे, हम मीडिया समझते हैं उसको। और हमारी आपके चैनल के ज़रिए दरख्वास्त है कि जो लोग जो बिलखसूस यूट्यूब बेस्ड और वेब बेस्ड मीडिया के बच्चे जिस जो फील्ड में काम कर रहे हैं, कोविड के सिचुएशन में अपनी जान को ख़तरे में लेकर एक एक रिपोर्टिंग दे रहे हैं, उनको सलाम, और उनको बेहतरीन तरीके से सहूलतें दी जाए, उनको हर हॉस्पिटल्स हर एरिया में एक्सेस दी जाए, ताकि आवाम को हुकूमत के क्या कारकर्दगी चल रही है मालूम हो। आवाम को बोलने के लिए हुकूमतें नंबर्स को कम करती है। आपको जानना चाहिए कि कई स्टैटिस्टिक्स है जिसमें फील्ड पर कोविड का सिचुएशन कुछ और है और बुलेटिन में कुछ और है। आज तक अभी तक आप डेली बेस 4,000 आदमी हिंदुस्तान में कोविड से मुतासिर होकर फौत हो रहे हैं, 4,000 ये रिपोर्टेड है। क्या इससे क्या आप नहीं समझते 4,000 ही है? नहीं, हजारों लोगों की जान हमने खोई है, किसी ने अपने बाप को खोया है तो किसी ने अपने बेटे को खोया है। ये हालात में अगर यूट्यूब बेस्ड चैनल और वेब बेस्ड चैनल रिपोर्टिंग करता है, आवाम को इतला देता है, तो क्या ये गलत करते हैं? बिल्कुल नहीं। और दूसरी चीज़ क्या है, ये अगर कुछ हॉस्पिटल्स प्राइवेट हॉस्पिटल्स बेतहाशा तरीके से आवाम को लूट रहे हैं, तो क्या ये हमारा यूट्यूब बेस्ड मीडिया जाकर रिपोर्ट नहीं कर सकता? बिल्कुल। हुकूमतों को चाहिए कि एक लिबरल अप्रोच रखे, एक फेयर अप्रोच रखे। अपोजिशन का काम कर रहा है, एक मजबूत पिलर है वेब बेस्ड मीडिया, यूट्यूब बेस्ड मीडिया, जिसको अवाम भी सताइश करती है, और ये चीज़ हुकूमत के मसाइल को हुकूमत के पॉलिसीज को चेंज करने में वेब बेस्ड मीडिया ने बहुत अच्छा रोल अदा किया है बमुकाबले अपोजिशन के लिए। मैं कहता हूँ उस चीज़ को, क्योंकि हर गली में हर हॉस्पिटल से जो रिपोर्टिंग लेके आते हैं, गैस सिलेंडर की कमी की रिपोर्टिंग लेके आते हैं, ये वेब बेस्ड मीडिया है, ये यूट्यूब बेस्ड मीडिया है। और इन आप जान आप ये, ये, ये
एक जो एक्रेडिटेशन कार्डों का जो मसला चल रहा है, ये इसके ताल्लुक से जो है कुछ लोग जो है सहूलत मिलती है या एक्रेडिटेशन कार्ड से मुख्तलिफ किस्म की बात करते हैं जो गवर्नमेंट की तरफ से मिलता है, लेकिन हाल ही में हम देखे हैं कि एक जुनेद मुल्तानी नामी आंध्रा ज्योति चैनल के ABN चैनल के जो है एक रिपोर्टर हैं, वो रिपोर्टर जो है किडनी फेल हो गए थे लेकिन कोई उनको सहूलत नहीं मिली। यहाँ पर जो है दोगली पॉलिसी जो है तेलंगाना हुकूमत कर रही है, यहाँ पर कई सहाफ़ियों को जो है सहूलत के नाम पर जो है कुछ नहीं दिया जा रहा है, जबकि उत्तर प्रदेश हुकूमत की जानिब से जो है एक जियो निकाला गया 2020 में, जो वेबसाइट जो 2 साल पुराना हो उसको जो है गवर्नमेंट की जानिब से इस्तेहार किए जा रहे हैं, लेकिन अभी तक तेलंगाना में जो है इस तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई है। जी जी, इसको आप क्या समझते हैं? देखिए, मैं काफ़ी हद तक आपके सवाल और मैं से मुतफिक हूँ। आपकी जो सोच है कि हाल ही में एक जर्नलिस्ट थे जिसका किडनी का इशू था, उनके पास एक्रेडिटेशन कार्ड होने के बावजूद भी उनको वो सहूलतें नहीं मिली जितनी सहूलतों की उम्मीद एक जर्नलिस्ट या रिपोर्टर या फिर मीडिया का आदमी एक्सपेक्ट कर रहा है हुकूमत से। देखिए सर, जिस तरह से एक्रेडिटेशन की बात आई है, उत्तर प्रदेश में भी आइडेंटिटी एक पहचान बनी है यूटी बेस्ड वेब बेस्ड मीडिया की, तो लिहाजा आप मीडिया एसोसिएशन इस पर होमवर्क करें कि एक्रेडिटेशन के रूल्स और रेगुलेशन में ये वेब बेस्ड मीडिया को भी ऐड करें और उनको हुकूमत के एडवर्टाइजमेंट्स मुहैया कराएं और हुकूमत के ऐलानात उनके ज़रिए दी जाए, क्योंकि आप जितना तेज़ी से आवाम को इतलात टीवी वेब बेस्ड और यूट्यूब बेस्ड मीडिया दे सकता है, मैंने समझता हूं कि उतना तेज़ प्रिंट मीडिया या फिर अदर मीडियाज दे सकते हैं। लिहाजा अवाम के मुफाद के लिए ये ज़रूरी है कि यूट्यूब बेस और वेब बेस मीडिया की आइडेंटिटी हो और उनको एक्रेडिटेशन दिया जाए, और उनका हक है ये, क्योंकि इतनी मेहनत ये चैनल्स कर रहे हैं, मैंने समझता हूँ कि दूसरे भी चैनल्स कर रहे हैं, लेकिन काफ़ी तादाद में बिलखसूस तेलंगाना में और हैदराबाद में भी बहुत ही अच्छी तरीके से एक्टिविज़म दिखा है कि यूट्यूब बेस्ड और वेब बेस मीडिया लॉन्च हुए हैं, और इससे कंपटीशन बढ़ा है और बहुत अच्छी बात है। अवाम का फ़ायदा हुआ है कि मालूमात में इजाफा हुआ है। लिहाजा मैं आपके चैनल के ज़रिए हुकूमत से ये दरख्वास्त करूँगा कि ये चैनल्स को, ये यूट्यूब मीडिया चैनल्स की की आइडेंटिटी को एक्सेप्ट करें और उनको जो जो सहूलतें हैं दिया जाए, और यानी ऐसे मसाइल जो आज की तारीख में जर्नलिस्ट और रिपोर्टर्स फेस कर रहे हैं उनको एड्रेस किया जाए। जी रहमत साहब, साहब ये सवाल है कि आज जो हमारे मुल्क में जो इनकलाब आ रहा है, जैसे न्यूज़ क्लिक और द वायर, ये वेबसाइट है, tahilka.com ये वेबसाइट था, ये वेबसाइट के ज़रिए जो है हमारे मुल्क में जो है इनकलाब आ रहा है, तो क्या आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं जो है हुकूमत या फिर ऐसे कुछ लोग जो जिनकी सच्चाई सामने आ जा रही है और जिनके नाकामियां सामने आ रहे हैं वेब चैनलों के ज़रिए, तो वो लोग कहीं बोबलाट का शिकार हो रहे हैं इससे, इसीलिए जो है पुलिस के ज़रिए एक खौफ बिठाने की कोशिश तो नहीं की जा रही है? जी साहब, देखिए साहब, ये तारीख रह चुकी है कि जब सियासतदान अपोजिशन में रहता है, हुकूमत में नहीं रहता है, जब उसको आवाम बहुत दिल की गहराई से याद रहती है, और जब छोटे मीडिया चैनल्स उसको दिल की गहराई से याद आते हैं, उनको लिफ्ट करने वाला, उनको उनकी शोहरत देने वाला और उनकी पॉलिटिकल कैंपेन करने में वेब बेस्ड मीडिया आगे आगे रहता है। जब ये सियासतदान दूसरा रुख इख्तियार करते हैं, जब हुकूमतों में आ जाते हैं, तो उन्हें कोई वायदे याद नहीं रहते, और मसाइल मीडिया के याद नहीं रहते। कई इनकलाबी काम है, जिस तरह से आपने बताया है कि tahilka.com है और दी वायर और दी प्रिंट,
ये जो इलेक्ट्रॉनिक बेस चैनल्स है जिस तरह से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, आप उत्तर प्रदेश के लीजिए, क्या हुकूमत को इतला नहीं थी कि गंगा में इतनी हमारे देशवासियों की लाशें, कोविड के पेशेंट जो मर गए थे, शहीद मर गए थे, उनको उनकी लाशें इतनी गंगा में बह रही है, क्या हुकूमत को इतला नहीं थी? बिल्कुल थी, लेकिन इसकी इतलात किसने बाहर लाई? वेबेस मीडिया ने लाई है। गोदी मीडिया कभी काम नहीं करेगा। आपको मालूम है कि गोदी मीडिया, मेरा मतलब जो प्रो रूलिंग पार्टी का मीडिया होता है, वो मीडिया हुकूमत की खामियों को नहीं बताएगा, ये आप जहन नशीन कर लीजिए। लिहाजा हमको लड़ना है, आगे बढ़ना है, खुद आज जिस तरह से प्रिंट मीडिया 80s के 70 के दौर में इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के खिलाफ एक लॉबिंग कर रही थी, उस तरह से मैं समझता हूं कि कुछ इलेक्ट्रॉनिक में कुछ ऐसे मीडिया चैनल जो प्रो गवर्नमेंट है, जो चापलूसी करते हैं हुकूमत की, वो लोग ये जो नॉन एक्रेडिटेड मीडिया चैनल्स है उनको दबाने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब भी हक को दबाया गया है, हिंदुस्तान की तारीख है कि हक और उभरा है। लिहाजा मैं उम्मीद करता हूं कि वेब बेस्ड और यूट्यूब बेस्ड मीडिया के जितने भी स्टाफ हैं, उनके रिपोर्टर्स, उनके चीफ एडिटर्स और हिम्मत से काम करें, और कोविड के सिचुएशन में जिस तरह से उन्होंने रिपोर्टिंग की है, हम उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जी रमेश सर, ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया साहब आपका, आप जो अपना कीमती वक्त दिए हैं और इस मसले में जो है खुलासा किए हैं, और हम भी जो है नाशिन को बता दें कि जितने अपने आप को सेटेलाइट चैनल कह रहे हैं या केबल चैनल कह रहे हैं, आपको याद रखने की ज़रूरत है कि ये चैनल कोई ना कोई पॉलिटिशियन का, कोई ना कोई एमपी मिनिस्टर का चैनल है, तो वो अवाम तक नहीं पहुंचते, अवाम तक पहुंचने वाला वेब चैनल है, और अवाम की ग्राउंड रिपोर्टिंग करने वाला वो वेब चैनल है, और वैसे रिपोर्टरों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। सब में बड़ा हमारे संविधान में कानून है, और कानून के जरिए साहब, और एक बात जो है, कानून के जरिए जिस तरह से पुलिस का जो रवैया है, इसको अगर हम इन फ्यूचर अगर हम इसकी अगर लड़ेंगे कानूनी तरीके से, तो क्या किस तरह का हम कानून की लड़ाई लड़ सकते हैं? जी देखिए, वो बिलखसूस जो मीडिया का इशू है, राइट टू प्रेस बहुत बड़ा वसी है, फंडामेंटल राइट टू एक्सप्रेशन, जिस तरह से इख्तियारात है मीडिया को, जिस तरह से इम्यूनिटी है, वो बहुत आला है। लिहाजा अगर कानूनी चारा जो ही अगर वेब बेस्ड मीडिया और यूट्यूब बेस्ड मीडिया करता है, तो बिल्कुल उनको कामयाबी हासिल हो सकती है। और सबसे पहले ये एक्रीडेशन का जो छोटा सा इशू है, इसका जहन क्लियर करने के लिए मैं चाहता हूं कि आपके वेब बेस्ड एसोसिएशन या फेडरेशंस इसकी चीज़ को हुकूमत के ऊपर असर प्रेशराइज करें कि उसमें डेफिनेशन में उनके जो एक्रेडिटेशन का डेफिनेशन है जिसका रूल्स में, इसमें वेब बेस्ड मीडिया को भी ऐड करें। ना करने की सूरत में जिस तरह से दूसरे मीडिया चैनल्स को राइट्स है, वो राइट्स जो हुकूमतें जो सर्विसेस मुहैया कर रही है, उसके लिए हुकूमत ये यूट्यूब बेस्ड मीडिया भी आगे बढ़ सकता है, कानूनी कार्रवाई कर सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, जिस तरह से वकील साहब ने वाजे तौर पे कह दिया कि इसमें जो है कानूनी हम कार्रवाई कर सकते हैं, और मायूस होने की ज़रूरत नहीं है, हमारा हक है, और वो हक से हमको लेने से कोई नहीं रोक सकता। बहुत बहुत शुक्रिया वकील साहब आपका, जो हमसे जुड़े हुए हैं। शुक्रिया, थैंक यू।